हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी अग्रवाल, योर मैथ्स मेंटोर एट शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। हमने अपनी पिछली वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस करा था और हमने उसके लेवल वन टाइप के एग्जांपल्स भी डिस्कस करे थे। आज की वीडियो में हम लेवल टू के एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट सी। शो दैट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय 8 If n is an odd positive integer। यहाँ तीन मेन चीज़ें दी हुई हैं। पहले तो n square minus 1 divisible दिखाना है 8 से, और n जो है वो हमारा क्या है, odd positive integer। So let's start। अब हम यहाँ पर लेंगे by Euclid's division lemma a is equal to bq plus r। In this case यहाँ पर n है तो हम यहाँ पर इसको n ले लेंगे, n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर वेयर r जो होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इज लेसर देन b। अब आप देखो यहाँ पर आपको जो डिविजिबल दिखाना है दैट इज बाय 8। तो अगर हम b यहाँ पर 2 लेते हैं देन इट विल स्क्वायर, जब हम इसका करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 4। तो वो जो 4 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। सो जो नेक्स्ट इवन नंबर है 2 के बाद वो क्या है हमारा 4, और 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 16, दैट इज डिविजिबल बाय 8। सो आपको ये खुद अज्यूम करना है कि हम यहाँ पर वैल्यूज क्या लें जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं लेट बी इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 4q प्लस आर, एंड जो वैल्यूज होंगी आर की दैट इज 0, 1, 2 एंड 3। सो केस फर्स्ट जो होगा दैट इज एन इज इक्वल टू 4q, सेकेंड इज एन इज इक्वल टू 4q प्लस 1, थर्ड वन इज एन इज इक्वल टू 4q प्लस 2, एंड द लास्ट वन केस इज एन इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि n जो है आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर है मतलब वी कैन टेक ओनली टू वैल्यूज, एक 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, बिकॉज 4q एंड 4q प्लस 2 कैसी है हमारी, इवन वैल्यूज है। ठीक है, तो हम इसके लिए डिस्कस करेंगे टेकिंग n इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ये ले लिया पहले हमने। अब हमें क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 1 करना है, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4q प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आप 8 कॉमन ले लो, इट विल कम आउट टू बी 2q स्क्वायर प्लस q, दैट इज 8k, वेयर k इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q। ठीक, टेकिंग अनदर केस, n इज इक्वल टू 4q प्लस 3, एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4q प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 16q स्क्वायर, 24q प्लस 9 माइनस 1, दैट इज 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। यहाँ सर आप 8 कॉमन ले लोगे तो इट विल कम आउट टू बी दैट इज 8k, वेयर k इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। सो देखिए आप एक एग्जाम्पल में कि जो हमारा एन स्क्वायर माइनस 1 है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 हेयर ऑल्सो, एंड इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 हेयर ऑल्सो। सो हेयर वी कम्प्लीटेड आवर दिस एग्जाम्पल। क्लियर, प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम x और y दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इवन होगा बट डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स सी। अब यहां पर x हमने ले लिया 2m प्लस 1 बिकॉज इट इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और y हमने ले लिया 2n प्लस 1 एज इट इज ऑल्सो ऑड। अब हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो सॉल्व इट। ये आ जाएगा हमारा 2m प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इट विल कम आउट टू बी 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1।
ये फोर टर्म्स हमारी फोर की हैं, तो फोर अगर आप कॉमन ले लोगे तो इट विल कम आउट टू बी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम प्लस एन, और वन प्लस वन हमारा हो गया टू. तो अगर हम इसको सपोज कर लें तो इट विल कम आउट टू बी फोर के प्लस टू, वेयर के इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम प्लस एन. ठीक है, और इसमें से अगर हम टू कॉमन लेते हैं तो इट विल कम आउट टू बी टू के प्लस वन, दैट इज टू ए, वेयर ए इज इक्वल टू टू के प्लस वन. सो हेयर इन दिस एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा है, टू ए का मल्टीपल है, दैट इज इट इज इवन. बट इन दिस स्टेप एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय फोर, क्योंकि जब हम इसको फोर से डिवाइड कर रहे हैं इट विल इट इज लीविंग टू एज अ रिमाइंडर. सो हेयर दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. ओके, show that square of any positive integer is of the form 3m, 3m plus 1 for some integer m. मतलब कि हमें show करना है इस question में कि जो square करेंगे हम किसी positive integer का उसकी form 3m, 3m plus 1 होगी for some integer m. So हम फिर से start करेंगे Euclid division lemma से by Euclid's division lemma a is equal to bq plus r एंड आर की वैल्यू की होगी, रिलेट कर लेंगे हम बी इज इक्वल टू थ्री, देन ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर, एंड जो आर की वैल्यूज आएंगी दैट विल बी जीरो वन एंड टू. सो हियर आवर फर्स्ट केस इज इक्वल टू फर्स्ट केस फर्स्ट इज ए इज इक्वल टू थ्री क्यू, सेकेंड वन इज a is equal to 3q plus 1, and the third one is a is equal to 3q plus 2. अब हमको यहाँ पर ये शो करना है कि जब हम इन तीनों केसेस पे स्क्वायर करेंगे तो जो फॉर्म बनेगी दैट विल बी ऑफ 3m और 3m plus 1. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले केस फर्स्ट, व्हेन a is equal to 3q, स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, और यहां हमने 3 कॉमन ले लिया दैट इज 3, और इसको हम m ले लेंगे वेयर m जो होगा दैट इज 3q स्क्वायर. ठीक है, नाउ केस सेकेंड, व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब इन दोनों टर्म्स में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और इसको फिर से हम 3m प्लस 1 लिख लेंगे, वेयर जो m है दैट इज जो ब्रैकेट की टर्म है हमारी वो m हो जाएगी. ठीक, नाउ द लास्ट केस दैट इज केस थर्ड, व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, दिस अगेन इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड दैट विल कम आउट टू बी 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4. अब यहां 4 पर एक चीज जो है वो पॉइंट आउट करने वाली है. ठीक है, देखो ये जो वैल्यू है वो हमारी 4 आ रही है और दैट इज ग्रेटर देन बी, 3 से बड़ी आ रही है, तो आप इसको ब्रेक कर लोगे. ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1. ठीक, अब इन तीन डिजिट्स में से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, ले लीजिए कॉमन दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और इसको फिर से हम लिख देंगे 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. सो यहाँ पर जो हमारे तीनों केसेस है, केस फर्स्ट देखिए 3m फॉर्म का है, केस सेकंड इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1, एंड केस थर्ड इज आल्सो ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1. तो जो हमारे केसेस थे वो सारे 3m के 3m प्लस 1 फॉर्म के आ गए. सो एंड द क्वेश्चन विद द सेम स्टेटमेंट आप लिख दोगे, हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3n
3m plus 1 for any integer n. Clear? Let us take another example. Show that the square of any positive integer cannot of the form 5q plus 2, 5q plus 3 for any integer q. हमें show क्या करना है? Show करना है कि square of any positive integer cannot of the form 5q plus 2, 5q plus 3 for any integer q. मतलब अभी तक जो हमने examples show करे थे उसमें हमें वो form show करनी थी. लेकिन ये जो example है इसमें हमें ये form हमारी फॉर्म है वो 5q plus 2 और 5q plus 3 नहीं आनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. a इज इक्वल टू bm plus r और जो हमारी r की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेसर देन b. अच्छा अब आपने ये सोचा कि यहाँ पर हमने बी एम क्यू लिया. अभी तो हम सारे एग्जाम्पल्स में बी क्यू कंसिडर कर रहे थे. देखिए क्यों लिया हमने यहाँ पर ये, क्योंकि जब हम यहाँ पर बी एम प्लस आर की फॉर्म लेंगे तो जो हम कॉमन लेते हैं वो हम क्यू ले लेंगे, तो जिससे जो हमारी फॉर्म है वो क्यू की टर्म्स में आएगी. वरना अदरवाइज अगर हम यहाँ पर क्यू ले लेते तो वो क्यू की जगह किसी और वेरिएबल में आती. ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बी एम प्लस आर लिया है. अब लेट करेंगे, लेट बी इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमें फॉर्म बनानी है 5q तो आना ही आना है, इसलिए b 5 ले लेंगे. सो a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5m प्लस r और जो r की वैल्यूज होंगी दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड 4. सो इन दिस केस वी हैव 5 केसेस. तो फर्स्ट केस इज a इज इक्वल टू 5m, सेकेंड वन इज a इज इक्वल टू 5m प्लस 1, थर्ड वन इज a इज इक्वल टू 5m प्लस 2, फोर्थ वन इज a इज इक्वल टू 5m प्लस 3 एंड द लास्ट केस इज a इज इक्वल टू 5m प्लस 4. फॉर ऑल ऑफ द केसेस हमें स्क्वायर निकालने हैं और फिर हमें ये दिखाना है कि ये फॉर्म 5q प्लस 2 एंड 5q प्लस 3 नहीं होगी. सो लेट्स स्टार्ट केस फर्स्ट व्हेन a इज इक्वल टू 5m. दिस इम्प्लाइज स्क्वायर करोगे आप तो इट विल कम आउट टू बी 25m स्क्वायर और इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 5m स्क्वायर. तो इसको हम कर लेंगे लेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q. देखिए यहाँ पर ये q आ गया, जो कि अगर हम वहाँ पर यहाँ पर अगर हम q ले लेते तो ये वाली टर्म q सपोज नहीं कर पाते, इसलिए हमने उसको करा था. और वेयर जो q है दैट इज 5m स्क्वायर. नाउ केस सेकेंड व्हेन a इज इक्वल टू 5m प्लस 1, दिस अगेन इम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज 25m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1. अब इन दोनों टर्म्स में से भी हम 5 कॉमन ले लेंगे दैट इज 5 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और इसको हम सपोज कर लेंगे q एंड वेयर जो हमारा q है दैट इज 5m स्क्वायर प्लस 2m. ठीक है, नाउ केस थर्ड व्हेन a इज इक्वल टू 5m प्लस 2, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 20m. इसमें भी हम 25m स्क्वायर प्लस 20m प्लस 4 इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले लेंगे 5 दैट इज 5 और यहाँ पर हम आ जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 और इसको हम लिख देंगे 5q प्लस 4 और वेयर जो हमारा q है दैट इज 5m स्क्वायर प्लस 4m. नाउ केस फोर्थ व्हेन a इज इक्वल टू 5m प्लस 3, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9.
अब देखिए जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में करा था कि ये जो हमारी टर्म है दैट इज 9 और 9 जो है वो ग्रेटर है किससे 5 से, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। इसको करते हैं केस फोर्थ को यहां कंटिन्यू कर रहे हैं हम, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ गया था 25m² प्लस 30m प्लस 9। मैंने बोला 9 को हम ब्रेक करेंगे दैट इज उसको हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 4। अब इन तीन टर्म्स में से जो हमारी ये तीन टर्म्स हैं इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे दैट इज 5 और यहाँ पर हमारा बचेगा 5m² प्लस 6m प्लस 1 प्लस 4 और इसको हम लिख देंगे 5q प्लस 4 where q is equal to 5m² plus 6m plus 1। ठीक है, now the case fifth when a is equal to 5q plus 4 this implies ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 4 का होल स्क्वायर दैट इज 25q² प्लस 40q प्लस 16। यहाँ पर भी देखो आप ये 16 आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन 5 तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको 16 को लिखेंगे 15 प्लस 1 जो 5 का नियरेस्ट मल्टीपल इसमें निकल रहा होगा उसको पहले अलग कर लेंगे एंड देन द रिमाइंडर अलग कर लेंगे उसको, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 40q प्लस 15 प्लस 1। फिर इन तीन टर्म्स में से हम फिर से 5 कॉमन लेंगे दैट इज 5 और यहाँ हमारा आ जाएगा 5q² प्लस 8q प्लस 3 प्लस 1 और इसको हम लिख देंगे 5q प्लस 1 वेयर q इज इक्वल टू 5q² प्लस 8q प्लस 3। सो जो भी हमने 5 केसेस लिए उसमें आपने नोटिस करा होगा कि जो हमारी फॉर्म्स आ रही हैं दैट आर 5q प्लस 4 और 5q प्लस 1 या जो भी आ रही थी वो 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 नहीं आ रही थी। फिर वही एंडिंग स्टेटमेंट इज सेम फॉर ऑल द क्वेश्चन, हैंस लिखोगे आप and then copy the whole question that the square of any positive integer से लेके any integer q तक as it is ही रहेगा वो। ठीक है, if you find this content interesting and up to the point so stay tuned at Shikshak Junction, bye bye, take care।